जोटा q इज इक्वल्स टू n n होची नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन केमिति गोटे मॉलिक्यूलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करबा केमिति सम मास गिवन मास किबो q1 kg ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 1 लीटर ऑफ वाटर की सल्फ्यूरिक एसिड ता केमिति इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करबा चार्ज कैलकुलेट करना सोटा देख ले प्रीवियस क्लास कूलम्स फोर्स रो रखि दिले कूलम्स फोर्स ऑलरेडी तुम्हें जानिछ बट हम सेथुर पढ़िथिले जे विथ डाइइलेक्ट्रिक कूलम्स फोर्स कोन हबो जदि गुडा डाइइलेक्ट्रिक रहुची ताले से केस रे कूलम्स फोर्स कोन हबा में देखु छी तो वर्तमान गोटे क्वेश्चन करबा सेथुर क्वेश्चन नंबर 1 आजरा दुईटा चार्ज आमे लेबे Q1 एटा Q2 ए भितरे डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल सब अछि एठी जो डाइइलेक्ट्रिक अछि से डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होछि K1 एठी गुटे डाइइलेक्ट्रिक अछि से डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होछि K2 एठी डाइइलेक्ट्रिक अछि से डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होछि K3 यार थिकनेस होछि T1 यार थिकनेस होछि T2 यार थिकनेस T3 टोटल सेपरेशन होछि D सो व्हाट इज द फोर्स बिटवीन द चार्जेस फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2 करा फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2 हबो लास्ट क्लास जो मैंने अटेंड करी थी जानी पार थुआ प्रीवियस क्लास जो मैंने अटेंड कर थुआ जानी पार थुआ कौन हो बैठा देखा जाए उस तक क्लियरली एयर मीडियम रे फोर्स टा आसुची माइंडफुली देख एयर मीडियम रे फोर्स टा आसुची एफ ए आर इज इक्वाल्स टू वन बै फोर पाए एपसाइलन जीरो कही अलरेडी प्रिवियस क्लास रे क्यू वन क्यू टू बै आर स्क्वायर जदि मुझे डाइइलेक्ट्रिक रखुची जदि मुझे गोटे डाइइलेक्ट्रिक रखुची तले डाइइलेक्ट्रिक जो एठी फोर्स आसीज वन बै फोर पाए एपसाइलन जीरो इंटू के क्यू वन क्यू टू बै आर स्क्वायर हवा कथा सपोज सपोज बुझ भल कनसेप्ट जो चार्ज दीटा अच्छी ता भितर मु गोटे डाइइलेक्ट्रिक रखिली से डाइइलेक्ट्रिक रो थिकनेस इज इक्वल टू द स्पेस बिटवीन द चार्ज ता माने चार चार्ज भितर डिस्टेंस जहा से डाइइलेक्ट्रिक रो थिकनेस मध्य सेया ताले डाइइलेक्ट्रिक पूरा स्पेस कवर कला से डाइइलेक्ट्रिक रो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होउछि के ताले मु आर जगह रे टी लेखि परिबि ना आर इज इक्वल्स टू टी ताल मुझे लिखी दे पारि एफ इज वन बै फोर फाइव सेवेन जीरो के वन क्यू टू बै आर स्क्वायर बदल रे टी स्क्वायर लिखिपर कि असुविधा ना हाँ ना ना हाँ अच्छा डाइइलेक्ट्रिक रखला जो फोर्स टा आसला एफ डाइइलेक्ट्रिक फोर्स टा ताठू कमिबना बढ़ना सामान रोर्स ताठू कम आसिबो ना अधिक आसिबो ना समान रहिबो अरे भूली गलानी ट्वेल्थ रे पढ़ी के आसो सबू ए आर मीडियम रे फोर्स अति की एफ ए आर केते तुमको जाना अछि ए आर छड़ा मु जदी अदर मीडियम नउची डाइइलेक्ट्रिक तले एफ ए आर इज डिवाइडेड बाय के इज इक्वल्स टू एफ डाइइलेक्ट्रिक ए फॉर्मूला पढ़ी ना नहीं हेलो हाओ देख रिपीट करूँ भूली गलानी सब ट्वेल्थ बेसिक्स गुड़ा हाओ एफ ए आर को आम लिखुचे वन बै फोर फाइव सेवेन जीरो दिश्चित
Q1 Q2 by R square जदि मु डाई इलेक्ट्रिक रखुची कौन हला 1/4πε0 × K Q1 Q2 by R square तो यटा को मु लेखि परिबि ना देखो एई एतिकटा कौन की एफ ए आर नुह की तो मु लेखि परिबि एफ ए आर डिवाइडेड बाय के हला ना एयर मीडियम रो फोर्स थारु डाइलेक्ट्रिक मीडियम रो फोर्स टा कम आसीबा ना अधिक आसीबो ए फार्मूला रो को अधिक आसीबो सपोज एयर मीडियम रे फोर्स थिला एफ एयर इक्वल टू 10 न्यूटन गोटे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखा गला डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सपोज 2 ताले एफ डाइलेक्ट्रिक रो कोन फार्मूला पाइले एफ एयर बाय के 10 न्यूटन बाय 2 केते हला कमिला ना बडिला आ बडिला केमती कहिलो बुझी परचो ओके डाइलेक्ट्रिक मीन्स गोटे परमिटिविटी मीडियम कुलम्स लॉ पढ़ी चो एप्साइलन जोटा रुहे एप्साइलन इज नथिंग बट द परमिटिविटी व्हेन एवर ए परमिटिविटी मीडियम इज प्लेस्ड बिटवीन एनी टू चार्जेस द फोर्स ऑफ इंटरैक्शन रिड्यूसेस परमिटिविटी टा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स जते चार्ज चार्ज भीतर हमें मीडियम रखिबा मीडियम रो परमिटिविटी जते अधिका हो फोर्स सेते कम हो ताले सबटु मिनिमम परमिटिविटी कहारा सेटा होची एयर मीडियम रो एयर मीडियम छडा हमें जो मीडियम भी दबा तार परमिटिविटी अधिका आसीबो ठीक अछि एयर मीडियम छडा जो मीडियम नबा तार परमिटिविटी अधिका हबो बुझियो छि हेलो अच्छा तो मु कहले जदि डाइलेक्ट्रिक रखुची फोर्स आ रिड्यूस हबो एटा क्लियर हला कन्फर्म पूरा गोटे दुईटा चार्ज भितर आमे जदि एयर मीडियम रखुचे फोर्स मैक्सिमम हबो एयर छडा एयर थारु कम परमिटिविटी कहारो भी नाही एयर छडा आमे जो मीडियम भी रखिबा फोर्स टा तापर कमी जिवो तो ऑब्वियसली फोर्स विल बी 1/k टाइम्स फोर्स कते हे गला 1/k टाइम्स होउ जानि परचो डाइलेक्ट्रिक रखिला पोर फोर्स टा 1/k टाइम्स होउ बोली आमे जानले ताले मु कहली सपोज डाइलेक्ट्रिक रो जो थिकनेस रहउछ सेटा होउछ टी जोटा इक्वल टू द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस चार्ज चार्ज भितर जो सेपरेशन टा जहा चार्ज चार्ज भितर सेपरेशन टा जहा से सेपरेशन इज इक्वल्स टू थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक ताले हमर गोटे कंडीशन नबा डाइलेक्ट्रिक रखला पोर भी मु फोर्स टा को चेंज करबा को चाहिबिनी मु चाहिबी फोर्स रो मैग्नीट्यूड को समान रखिबी बुझा बोल कि कौन कहली कॉन्सेप्ट दैट मीन्स टू हैव सेम फोर्स आफ्टर कीपिंग डाइलेक्ट्रिक नोट डाउन करिबो एटा मु बुझै सरले डाइलेक्ट्रिक रखिला पर भी मोर जदि फोर्स को समान रखिबा को इच्छा हबो त माने डाइलेक्ट्रिक पूर्व सपोज फोर्स थिला एटा 1/4πε0 बुझ Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर डाइलेक्ट्रिक रखिला पर भी फोर्स एफ ही रहइबो किंतु एटी डाइलेक्ट्रिक जेतु रही जाइछि मु डाइलेक्ट्रिक रो कांस्टेंट टा गुणी देली एटी अच्छा ये जो डिस्टेंस टा केते ऑब्वियसली डाइलेक्ट्रिक रो थिकनेस जोटा दैट इज द डिस्टेंस कना टी इक्वल टू आर कना कंप्लीट स्पेस बिटवीन द चार्जेस इज कवर्ड बाय द डाइलेक्ट्रिक ताले t इक्वल टू r ताले t r जगह t पके देले t स्क्वायर जानि परछो ना एटा विदाउट डाइलेक्ट्रिक फोर्स एटा विथ डाइलेक्ट्रिक फोर्स क्लियर किंतु कंडीशन कोन मते एटा को समान रखिया को पड़िबो एटा होची विथ डाइलेक्ट्रिक माइंडफुली सुना बहुत इंपोर्टेंट जिंस विथ डाइलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक रखिला परे फोर्स एतिकी होची ताले इक्विवेलेंट डिस्टेंस केते होबा दरकार विदाउट डाइलेक्ट्रिक रे भी मु सेति की फोर्स पाइबी सपोज से डिस्टेंस टा आर एटा विदाउट डाइलेक्ट्रिक ना विदाउट डाइलेक्ट्रिक रे इक्विवेलेंट डिस्टेंस केते होबा दरकार टू हैव द सेम फोर्स आ सब तो सेम रहइबो मु तो चार्ज रो मैग्नीट्यूड को चेंज करि परिबिनी केवल डिस्टेंस को चेंज करिबी सो व्हाट शुड बी द इक्विवेलेंट डिस्टेंस
ताले इक्वेशन वन या इक्वेशन टू दुटा को कंपेयर कले सब एलएचएस समान ऑब्वियसली आरएचएस समान हम तो आरएचएस दुटा जिनस कंपेरेबल हो गला आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू के टी स्क्वायर हाँ ना ना जापार ना कौटि भी पिला पचार डाउट रखिकी ये कर पचार हलो पे जापार समस्त जापार नुआ पा जो मैंने भी आज प्रीवियस क्लास अटेंड कर जापार समस्ते वन बाय वन क्लियर तो आगे जावा ओके वेरी गुड ताले आर हूँ गोटे इफेक्टिव डिस्टेंस जो डिस्टेंस रु आम जापर डाइलेक्ट्रिक थाई कि जी फोर्स डाइलेक्ट्रिक न थाई कि केते डिस्टेंस रे से फोर्स आसीबो ता माने एटा को ए जो डिस्टेंस भीतर से डाइलेक्ट्रिक रो इफेक्ट ताकु इंक्लूड करूची ता माने दिस इफेक्टिव डिस्टेंस इनक्लूड्स द इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक तमें जो जगार डाइलेक्ट्रिक थी से जगार डिस्टेंसटा के हम आर आर इफेक्टिव डिस्टेंस के रूट के टी बुझिपार हलो हाँ जदि एन टा डाइलेक्ट्रिक अच्छी कौन हम इफेक्टिव डिस्टेंसटा हो K1 रूट ओवर T1 माने कर N टा डाइलेक्ट्रिक अछि K1 K2 अप टू KN प्रत्येक थिकनेस T1 T2 अप टू TN ताले इफेक्टिव डिस्टेंस टा R हे जीवो K1 रूट T1 प्लस K2 रूट T2 प्लस एमती KN रूट TN बुझि पारिला हेलो हेलो क्लियर वेरी गुड नेक्स्ट आम एटा को आर इज इक्वल टू लिखिपारि समेसन आई इज इक्वल्स टू वन टू एन समेसन आई इज इक्वल्स टू वन टू एन के आई रूट ओवर टी आई जान ला जापार बुझुचना बुझुच मिछरे हाँ मारनी बुझिपार क्लीअरली जो मैंने कह जो मैंने न बुझिपार पचार बुझीला क्लीअर समस्ते हाँ ना ना ओके तो गोटे क्वेश्चन करदे तुम कनसेप्ट आहरी क्लीअर होधिका क्वेश्चन गोटे करवा मुझ क्वेश्चन दिखाई अच्छा यहाँ लेखिमा जो लिखिद इमिडियेट नोट डाउन कर जल्दी लेख ए क्वेश्चन सॉल्विंगटा को मुझे तुम मैंने अन्य क्वेश्चन अटेंड कर के वन डाइलेक्ट्रिक टी वन थिकनेस अच्छी से जगार इफेक्टिव डिस्टेंसटा हो रूट के वन टी वन क्लियर के टू डाइलेक्ट्रिक जी जगार अच्छी तार डिस्टेंस हो रूट के टू टी टू हबो के थ्री डाइलेक्ट्रिक जो जगार अच्छी तार डिस्टेंस हो रूट के थ्री टी थ्री अच्छा डिस्टेंसटा स्कालार ना वेक्टर ताले सब को मु अलजेब्रिकली ऐड कर दे परिबि अच्छा ये सब जगार डाइलेक्ट्रिक अच्छी ना किसी फांका अच्छी मझीरे टे फांका अच्छे फांका जगार कौन थी रे एआर थी ताले एआर मीडियम रो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट केते वन मन कर यू के फोर बोली ना दे दियो प्लस रूट के फोर ये डिस्टेंसटा के समुदाय डिस्टेंस को मिसेकि डी रु फेड़ी देवा डी माइनस ये लिखुची डी माइनस
T1 plus T2 plus T3 हबो ना सब सेम फॉर्मेट रे आसला ना नाही बुझौची एटा ला टोटल डिस्टेंस चार चार्ज भितरे इफेक्टिव डिस्टेंस टा केते ताले रूट के वन टी वन प्लस रूट के टू टी टू प्लस रूट के थ्री टी थ्री अच्छा के फोर मूल्य वन नुह कि एयर पर एयर मीडियम रो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बा रिलेटिव परमिटिविटी वन ताले के फोर मूल्य वन ताले केवल यहाँ रहिला डी माइनस टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री हेला ना ताले फोर्स केते 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 सिंपल फार्मूला डाइलेक्ट्रिक तो या भीतर पड़े आसीला q1 q2 बाय r स्क्वायर ताला में लिखिबा फोर्स इज गिवन बाय 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 बाय ई r मूल्य जहां छि पके दबो रूट के 1 टी 1 रूट के 2 टी 2 रूट के 3 टी 3 प्लस डी माइनस टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री यार होल्स टोटल रो होल स्क्वायर हला क्वेश्चन चित्र दे थिबो ऑप्शन रे थिबो आंसर गुड़ा तुम्हें को आंसर टा ठीक हबो करिबो जानी पारुछ बुझियला क्वेश्चन ए टाइप रे क्वेश्चन देले करि परिबो अलगा हेलो लेख लेख नोट डाउन करो लिखि सारे कह नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा व्हाट इज द फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2 करो Q1 और Q2 दुटा चार्ज देखाई भितर कौन केमती रखा जाए डाइलेक्ट्रिक्स अच्छी थिकनेस भी गिवन अच्छी हला अच्छा गोटे डिस्टेंस एटा देखेबा ए डिस्टेंस टा टोटल टा डी एबे फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2 केते करो इमीडिएट गोटे पर्टिकुलर थिकनेस भितर पर्टिकुलर रेंज भितर दुईटा जाक डाइलेक्ट्रिक्स अच्छी ताल ए टोटल डाइलेक्ट्रिक्स टाकु आमे गोटे बोली धरी पारिबा ए टोटल टाकु गोटे काहेकि जे एठू जो डाइलेक्ट्रिक ऊपर जो चार्ज इंड्यूस हबो ए पट साइड रे सपोज Q2 टा जदि पॉजिटिव पॉजिटिव जबो इंड्यूसटा नेगेटिव एठी भी नेगेटिव एठी भी सही नेगेटिव ताले ये यदि प्लस Q2 एठी इंड्यूस हम माइनस Q2 एठी भी सही माइनस Q2 अच्छा ये यदि प्लस Q1 एठी इंड्यूस हम माइनस Q1 एठी माइनस Q1 ताले ये टोटल सिस्टम गोटे डाइलेक्ट्रिक बोली धरिबा ता माने इटा को अति सिंपल रे मु लिखि दे पारिबि गोटे डाइलेक्ट्रिक हे गला जहार डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 प्लस K2 थिकनेस टी ऑब्वियसली डिस्टेंस टा डी निए जाय छी ताले इफेक्टिव डिस्टेंस आर कैन बी रिटन एज कोन हबो K1 प्लस K2 रो रूट ओवर इनटू टी प्लस डी माइनस टी एका थर मु लिखि देली एटी जो एयर रो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को रूट ओवर कर थांते एयर रो तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 सपोज एटा के 3 तो के 3 रूट ओवर डी माइनस टी के 3 टा तो 1 ना जे तो एयर अछि एति की ताले मोर फोर्स आसी गला 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2 रो रूट ओवर इंटू टी प्लस डी माइनस टी होल स्क्वायर क्लियर क्लियर
बुझी ओके वेरी गुड लिखी दियो सब डाइलेक्ट्रिक थिकनेस आमको गिवेन थी सो इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंटा केते हमें सेटा जानिबा दरकार सो के वन के टू अप टू के एन के वन के टू अप टू के एन एन डाइलेक्ट्रिक्स एन टा डाइलेक्ट्रिक्स हैविंग थिकनेस टी वन टी टू अप टू टी एन थिकनेस हला तले डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टोटल इक्विवेलेंट केते हबो के इक्विवेलेंट जदि से माने अलाइन हे थांती इन ए सीरीज मैनर जदि अलाइन हे थांती बुझौ छी सीरीज मैनर कहले केमिति देखो ए वळी के1 के2 के3 ए वळी हला जानी पार्छ पिला माने फिगर हेलो के एन तले के इक्विवेलेंट रो फार्मूला हबो समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 टू एन के आई रूट ओवर टी आई डिवाइडेड बाय समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 टू एन टी आई हला अच्छा सॉरी एटार स्क्वायर नहीं जो हला जान पार हाँ लेख यटा को तापर आ गोटे कनसेप्ट अछि इंड्यूस्ड चार्ज इंड्यूस्ड चार्ज पिला माने जदि हमें इंडक्शन करिबा अपोजिट पोलारिटी पाइबा ना ऑलरेडी जानिछ जदि हम इंडक्शन करूचे अपोजिट पोलारिटी पाइबा ना सेम पोलारिटी पाइबा हेलो अपोजिट पाइबा गोटे पॉजिटिव चार्ज को नहीं जब इंडक्शन करिबा गोटे मटेरियल को पॉजिटिव चार्ज हम अप्रोच करिबा हमें नेगेटिव पोलारिटी पाइबा जदि नेगेटिव चार्ज अप्रोच करिबा पॉजिटिव पोलारिटी पाइबा तो एटा गोटे मन रखिबो कंडक्शन आउ इंडक्शन कंडक्शन रे हमें सेम पोलारिटी पाउचे इंडक्शन रे हमें अपोजिट पोलारिटी पाउचे ठीक अच्छे तो इंड्यूस्ड चार्ज को हमें क्यू आई बोली डिनोट करिबा क्यू आई जतिके चार्ज हमें दोचे मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज बा गिवन चार्ज ताको क्यू बोली धरिबा क्यू गिवन चार्ज केते चार्ज हमें दोचे एटा हला इंड्यूस्ड इंड्यूस्ड केते चार्ज इंड्यूस हला हाँ तले से इंड्यूस्ड चार्ज रो वैल्यू क्यू आई किंवा क्यू आई एन भी लिखी परिबा इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस क्यू आम जो चार्ज दबा हटा पॉजिटिव हो पारे नेगेटिव हो पारे प्लस और माइनस क्यू इनटू 1 माइनस 1 बाय के कौन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हला के होची डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जानी पारला अच्छा डाइलेक्ट्रिक काहेकि नाले वर्तमान आमे पढ़िबा टिके आगुकु पढ़िले तमे ऑटोमेटिकली क्लियर हो जो सेटा अच्छा कूलम्स फोर्स परे हमर कांसेप्ट आसीला इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट गोटे कांसेप्ट कहि दे कि आमे किछि प्रॉब्लम को जीवा हला तो
इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जान पा मैंने व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, हेलो इलेक्ट्रिक फील्ड कहले कौन बुझ जो फील्ड भितर सेटाकू आम इलेक्ट्रिक फील्ड बोली कहवा जस्ट लाइक तुम पढ़ मेकानिक्स रे इलेवेन्थ जब पढ़ थो मन थी गोटे मास आ गोटे मास सहित कौ प्रकार फोर्स एक्सपीरियंस करे गोटे मास एम वन आ गोटे मास एम टू तांको भितर कौ प्रकार फोर्स आसे हेलो वेरी गुड ग्राविटेशनल फोर्स ताले ग्राविटेशनल फोर्स कौटी आसब सबुठी आसपार ग्राविटेशनल फोर्स सबुठी आसीपर कि ग्राविटेशनल फील्ड भितर आसब जो ग्राविटेशनल फील्ड ना आम से ग्राविटेशनल फोर्स बाहर कर पारिबा अच्छा ताले ग्राविटेशनल फील्ड जो अच्छी विदिन द ग्राविटेशनल फील्ड एवरी मास अट्रैक्ट अनदर मास बाय फोर्स एफ इज इक्वल्स टू जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर ताले विदिन द इलेक्ट्रिक फील्ड सिमिलरली एवरी चार्ज अट्रैक्ट अनदर चार्ज और रिपेल अनदर चार्ज एटा हो डिफरेंस ग्राविटेशनल फोर्स ओनली अट्रैक्टिव बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोथ अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव एफ इक्वल टू वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर एटा हला कूलम्स फोर्स ताले कूलम्स फोर्स ए रीजन भितर या करी फोर्स प्रोड्यूस करि परिबो एटा आमे जानिले ताले जो रीजन ताकु आमे नबा से रीजन ताकु कहिबा इलेक्ट्रिक फील्ड से रीजन नो स्ट्रेंथ ताकु कहिबा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड फॉर चार्ज एटा जानिछे इन द सेम वे जदि मु गोटे चार्ज टाकु गोटे इलेक्ट्रिक फील्ड भितर मु रखुछि ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एमति इलेक्ट्रिक फील्ड अछि एटी क्यू चार्ज को मु रखिली ताले द फोर्स एक्सपीरियंस्ड ऑन द चार्ज इज क्यू इनटू ई से चार्ज ऊपर जो फोर्स आसिला से फोर्स रो वैल्यू क्यू इनटू ई हला इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज से गोटे कन्सेप्ट अच्छे जदि पॉइंट चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड आम देखा तेल से आसीगला इ इज इक्वल्स टू वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू बाय आर स्क्वायर ताले पिला माने एटा सिंपल जिनस टिल नाउ ए जुटा हमें डिस्कस करले एगुडा ऑलरेडी पॉइंट चार्ज को नेक एनालिसिस जोटा ऑलरेडी हमें पढ़ी सारी छे हला ताले चार्ज भितर रे कोन वेरिएशन अछि चार्ज भितर कैटेगराइजेशन अछि चार्ज केते प्रकार के कहबो मते चार्ज केते प्रकार हां कोन कोन दैट इज बेस्ड ऑन द पोलारिटी मु पोलारिटी रे पचारुनी पोलारिटी तो पॉजिटिव नेगेटिव मु चार्ज रो कैटेगराइजेशन पचारुची नॉट डिपेंडिंग ऑन द पोलारिटी तार अदर फीचर्स को नेकी चार्ज रो कैटेगराइजेशन अछि तो चार्ज केते वैरायटी रो चार्ज जानिचो को कौन-कौन हबो चार्ज अरे उरे टेस्ट चार्ज पड़ी ना टेस्ट चार्ज हेलो दिसछ ना टेस्ट चार्ज पड़ी ना नहीं हाँ अच्छा टेस्ट चार्ज पॉइंट चार्ज जे एक्चुअली प्रैक्टिकली ए दुटा भितर कोटा एग्जिस्ट करूछ प्रैक्टिकली पॉइंट चार्ज एग्जिस्ट करे टेस्ट चार्ज इज टेकन ओनली फॉर एनालिसिस पर्पस ताले टेस्ट चार्ज गोटे पॉजिटिव चार्ज हेतिबो
गोटे स्मॉल मैग्नीट्यूड रही थी जहाँ को आम नौचे केवल आनालीसीस तेरे प्रॉब्लम सॉल्विंग बेले टेस्ट चार्जर इफेक्टा दरकार आउ कि ना बाकी जो चार्ज रहिला चार्ज रो व्यू हिसाब रे ए जो पॉइंट चार्ज अछि ए पॉइंट पॉइंट चार्ज हला आ गोटे अछि कंटीन्यूअस चार्ज पढ़ी जेटा पढ़िथिबो पढ़ी ना पॉइंट चार्ज आ गोटे कंटीन्यूअस चार्ज पॉइंट चार्ज टा गोटे माइक्रोस्कोपिक व्यू माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस स्मॉल एटा माइक्रोस्कोपिक व्यू आमको दबो जस्ट लाइक मास तो पॉइंट मास आउ कंटिन्यूअस मास जमिति पिला माने जानिछ पॉइंट पॉइंट आउ कंटिन्यूअस भीतर डिफरेंस कौन आम देखिबा चार्ज गुड़ा गोटे जगार ठूल होइके रहुतबो The distribution of the charges appear to be a point. एमिति भावे थिबो से माने गोटे पॉइंट भली अपीयर करथुबे हला कि पॉइंट चार्ज हला कंटिन्यूअस चार्ज कोनो चार्ज गुडा अधिका डिस्ट्रीब्यूट हेकि थिबो डिस्ट्रीब्यूट हेकि माने से डिस्ट्रीब्यूशन टा केमिति होइ पारे वन डाइमेंशनल होइ पारे टू डाइमेंशनल होइ पारे थ्री डाइमेंशनल भी होइ पारे बुझि पाछो कि नै चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन टा वन डायमेंशनल हो पारे तो मैंने लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूट होगी थी टू डायमेंशनल एरिया सरफेस एरिया डिस्ट्रीब्यूट होगी थी थ्री डायमेंशनल वॉल्यूमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट होगी थी तो ए प्रकार डिस्ट्रीब्यूशन को आम कहे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है किंतु आम गोटे चार्ज गुड़ा The direction of the Coulomb's force and the direction of electric field. Mind रखो ये टाइप। Test charge का हमें कोड ही use करना। Coulomb's force और electric field का direction जानेगा पाएं। बुझ बच्चों? है ना? जब इनकी unit vector use कर चले, unit vector को use कर सकते बड़ा बड़ा scalar को vector में convert को या पैंतर magnitude, तो ये तो multiply करे direction आ जाएगा। तार मैग्नीट्यूड की नुवान बढ़ता है यूनिट वेक्टर सिमिलरली टेस्ट चार्ज जरा मैग्नीट्यूड इज नेगलिजिबल इट इज यूज्ड ओनली टू डिटेक्ट द डायरेक्शन और टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द कूलम्स फोर्स एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड द प्रॉब्लम वाला हमें सेटा जानिबा तो तापर चार्ज दो प्रकार असला पॉइंट चार्ज एंड कंटीन्यूअस चार्ज तो चार्ज हुज डायमेंशन इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर्ड टू द ऑब्जर्वेशन पॉइंट चार्ज गुड़ा घुड़ाई चार्ज गोटे जगह ठूल होते कि गोटे पॉइंट भाई अपीयर करें तो से पॉइंट चार्ज बोली कहते हैं पॉइंट मास कंटिन्यूअस मास हला सपोज गोटे छोट बल अच्छे आयरन बल पॉइंट मास बोल धरना तो गोटे बहुत बड़ बल टे ना मास टा बहुत अधिक स्पेस कवर कर तो सेटा हि कंटीन्यूअस मास हला समिति पॉइंट चार्ज आ कंटीन्यूअस चार्ज भीतर डिफरेंस छ चार्ज दा डायमेंशनली बहुत स्मॉल है बहुत छोटो लागु थबो हला कि गोटे जगह रे गोटे पॉइंट रे एग्जिस्ट करले गोटे कोऑर्डिनेट रे अछि बोली से लागु थबो बुझ पाछ ताले सेटा कमे पॉइंट चार्ज बोली कहो किंतु कंटीन्यूअस चार्ज इट विल कवर सम स्पेस लेंथ वाइज नहीं पारे स्पेस वाइज नहीं पारे वॉल्यूम वाइज नहीं पारे त माने कंटिन्यूअस चार्ज रे तीनि टा जिनस होय कासि गला त माने से वन डाइमेंशनली रहि पारे टू डाइमेंशनली रहि पारे बुझि पाछो न माइंडफुली थ्री डाइमेंशनली रहि पारे वन डाइमेंशनली जदि रहि ना हम एटा को कहिले लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन
वन डायमेंशनल रहले हमें तब कहिबा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन टू डायमेंशनल तक कहिबा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन थ्री डायमेंशनल रहले वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी पढ़ी छ प्रश्न रे रिकॉल करू छी तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अ दो चार्ज डेंसिटी आसीबो तो लीनियर रे एथि गोटे चार्ज डेंसिटी आसीबो लीनियर चार्ज डेंसिटी लीनियर चार्ज डेंसिटी को हमें कि कहूचे लैम्डा कौन कहूचे लैम्डा जोटा को कहूचे चार्ज पर यूनिट लेंथ dq / dl चार्ज पर यूनिट लेंथ सरफेस चार्ज डेंसिटी कौन हम के कहबो चार्ज पर यूनिट एरिया वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी वेरी गुड चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ऑब्वियसली यूनिट पूरा माइंड रखो ठीक है प्रॉब्लम पे दरकार पड़िबो कूलम पर मीटर का कूलम पर मीटर स्क्वायर कूलम पर मीटर क्यूब हां तो एई जिंसो को नै कि गोटे छोटिया एग्जांपल मु दउ छी कूलम फोर्स मु कैलकुलेट करबी दुटा चार्ज उपर हला दुटा चार्ज को मु दिबो से चार्ज भीतर कूलम फोर्स कोन हो मते कर हां डायग्राम करू छी देखिबो एही कैपिटल क्यू बोली गोटे चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए लेंथ एल कैपिटल क्यू बोली गोटे चार्ज पॉजिटिव चार्ज एल लेंथ ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हे गयो छ हला कि एटी आ गोटे चार्ज अछि स्मॉल क्यू पॉइंट रे ए पॉइंट हला गाडी होची ए डिस्टेंस था स्मॉल आर फाइंड द फोर्स बिटवीन कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्वेश्चन होची फोर्स बिटवीन कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू बुझ पर जो पहला मैंने क्वेश्चन बुझी पारछ हां करि परबो नाम करबा देखिन ए लाइट पड जोडे लाइट पड सेडी क्यू लिखाय छी स्मॉल क्यू जोडे लाइट पड छी सेडी स्मॉल क्यू लिखाय छी अच्छा कूलम फोर्स एक भीतर तो लाग पाइबो हेलो कूलम फोर्स अच्छा ये लाइट बोर्ड वाला बेसिन है डिग्री लगते क्यों ये डिस्टेंस का आर अच्छा ये मानो भीतर कूलम फोर्स बाहर पाइबो कि ना आउ अलग कौन फोर्स को केवा पहले मत को अरे जानी पाछ को किछ असुविधा नहीं कूलम फोर्स हां तो 1 / 4 / 0 बड़ा क्यू और बड़ा क्यू टू सानो के तो पहले l +
केवल एल प्लस आर मुंडा हिसाब हम केमिति सेरा हम कहिबे बे सेरा केमिति बे कहिबे हां कहिबे कहिबे अपेक्षा कर कहिबे एटा लिखि सकतो तो ए तीनटा अच्छा एडी कूलम्स लॉ अप्लाई हे पर कि नै मते कहबो कूलम्स लॉ एके अप्लाई करि परिबा ना करि परिबा नै कूलम्स फोर्स पिला माने पॉइंट चार्ज भितरे करा जाय दुईटा पॉइंट चार्ज भितरे कूलम्स फोर्स आसे एठी दुईटा पॉइंट चार्ज अछन देखि हां गोटे पॉइंट चार्ज गोटे कंटीन्यूअस चार्ज पर ये कंटीन्यूअस चार्ज रे प्रत्येकटा पॉइंट गोटे गोटे पॉइंट चार्ज हो ना नहीं पर मु गोटिए पॉइंट कंसीडर करली जो पॉइंट रे गोटे चार्ज भरबी सपोज सेटा स्मॉल चार्ज dq हैविंग लेंथ dl सेटा गोटे पॉइंट चार्ज कि नाही हेलो ताले dq बाय dl टोटल चार्ज टा q टोटल चार्ज टा टोटल l लेंथ रे अछि ताले तार चार्ज डेंसिटी टा एटा होनी कि dq बाय dl इक्वल टू लैम्डा ताले dq इज इक्वल्स टू लैम्डा इनटू dl ठीक अच्छे नेक्स्ट स्मॉल q चार्ज इटा dq गोटे पॉइंट चार्ज q गोटे पॉइंट चार्ज ए माने को भीतर डिस्टेंस ता केते हम जान नाही ए माने को एक्सिस रे थिला बोली लागु छी होराइजन टाइम माने सपोज एटा धरिबा x एक्सिस मानि बाबा ए डिस्टेंस ता को भीतर x ताले फोर्स बिटवीन देम 1 by 4 pi epsilon 0 कूलम्ब फोर्स रे निहाते अप्लाई कर परबा कना ये गोटे पॉइंट चार्ज से गोटे पॉइंट चार्ज dq इनटू q डिवाइडेड बाय x स्क्वायर जेतु स्मॉल चार्ज फोर्स आसीबा स्मॉल dl हो ना बुझि परछ यस सर अच्छा 1 by 4 pi epsilon 0 dq जगह को जहां पे पाई छी लैम्डा इनटू dl into q by x square okay then clear na acha idyo to jodi dq e uni keta ta achi e continuous charge upare dq keta ta achi unlimited infinity ta achi ta ei bhari total jo line charge pa jodi force bahar karibi ताले नेट फोर्स ड्यू टू द चार्ज क्यू टोटल चार्ज क्यू बाय नेट फोर्स के तनी जीवो एफ जोटा डीएफ रो इंटीग्रेशन हो हाँ बुझो जी अच्छा नहीं पाचो 1 by 4 pi epsilon 0 lambda q by x square dl bujhauchi ha thik achi ta एबे आमे इंटीग्रेशन करियो अच्छा ए लेंथ का ए चार चार भीतर सबटो मिनिमम डिस्टेंस ता केते सबटो मिनिमम डिस्टेंस ता केते चार जतो आमे जतो dq टा को ए पोजीशन ने नबा सबटो मिनिमम डिस्टेंस r सबटो मैक्सिमम डिस्टेंस ता हबो r + l
अच्छा एक्स बोली नहीं जा तुम सुविधा हम एनालिसिस करिया को एक्स नहीं जा जेतु हम एटा को एक्स नहीं छे एटा को एल बदल रे एक्स नहीं जा इंटीग्रेशन करिया को हम सुविधा हो नल वेरिएबल अलग आइ जाउ छी ता हला एक्स ताले टोटल एफ जत बड़े पकेबा लिमिट पुट कर दबा 1/4 पे एप्सिलॉन 0 अच्छा लैम्डा क्यू हला एक्स पावर माइनस 2 डीएक्स लिमिट बदला सबटु मिनिमम डिस्टेंस एक्स केत आसीबो स्मॉल क्यू जो स्मॉल आर मैक्सिमम डाला स्मॉल आर प्लस एल एबे एटा इंटीग्रेट कर एफ लैम्डा क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 ठीक अछि एटा आसी लागत है एक्स पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 1 हला लिमिट पडला आर रो आर प्लस एल बिसुची बिसु ना हां तो लैम्डा क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 आसला माइनस का जे बाहर को नहीं आसा माइनस का बाहर को रखु छी 1/x रही छी लिमिट आर रो आर प्लस एल हबो माइनस लैम्डा क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 1 by r plus l minus 1 by r अबो अच्छा लैम्डा q by 4 pi epsilon 0 जो दिकर दबा एटा 1 by r minus 1 by r plus l हो ना तला बुझो ची बास R into R plus L ओपर है गला R plus L minus R R R कटी गला Q lambda into L by 4 pi epsilon 0 R into R plus L अच्छा lambda L टा कौन की lambda हला linear charge density L हला total length ताले देखो dQ is equals to lambda dl jodi integration koribo q he jibo lambda l na q he jibo lambda l tale lambda l jagara ame q poke dewa final e answer lekhuchi final answer ta idi bahari gala force baharuchi lambda l ta q capital q small q divided by 4 pi epsilon 0 small r into r plus l बुझौ छी अच्छा तमो को फास्ट रो आंसर केमती कहि देले मुंडा में खड़ रे के मिल जाइबो फोर्स दैट इज q q 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर माने ये दीटा डिस्टेंस गुणा हो जदि गोटे पॉइंट चार्ज हेता त ताका उतर डिस्टेंस r कर दो किंतु डिस्टेंस ता स्टार्ट हो छी r हो एंड हो छी r प्लस l त माने जो दीटा डिस्टेंस गुणीबा स्टार्ट स्टार्टिंग डिस्टेंस ता आर फाइनल डिस्टेंस ता आर प्लस एल हे गला ना बुझ पालो यस सर किछि न पर के जानिबो जे एटा सबुटे अप्लाई करबो बोली के माने ना एटा गोटे गोटे किछि किछि क्वेश्चन जे जोरा डायरेक्टली इ टाइप थिबो हला तो माने केतरा क्वेश्चन कोला पर जानि परबो हला किछि किछि ट्रिक गुडा में बेसी किछु मुंडा में खड़ रहि जो देखो देखो पर लवा बुझौ छी क्लियर है बात की ओके okay.